हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आजकल इंडिया में ही है, घर पे फंसे हुए हैं क्योंकि दुबई जा नहीं सकते, फ्लाइटें ऑफ है, फ्लाइटें ऑन करने की हम इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से जो है यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड नहीं करी जा रही है, क्योंकि घर पे है, घर पे जो है काम वाम लगा रखा है, घर पे काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी है। पूरा पूरा दिन जो है रेल बनी रहती है, कभी ये लेके आना है, कभी वो लेके आना है, पूरा दिमाग की दही बनी हुई है। ठीक है, तो सीन कुछ ये है आज की वीडियो में कि एक मेरे गांव का ही लड़का है, दोस्ती है वो मेरा, वो गया था सऊदी अरब। उसने जो है 5-6 साल वहाँ पे काम किया है, और 5-6 साल काम करने के बाद अभी वो आया था, 1 साल उसको तकरीबन इधर हो गया है, वो आया था छुट्टी। छुट्टी आने के बाद वो वापस नहीं जा सका, क्योंकि फ्लाइट सऊदी अरब ने तो जो है फ्लाइटें पहले से ही ऑफ कर रखी है। ठीक है, फर्स्ट कोरोना जब आया था 2020 में, 2020 से ही सऊदी अरब ने फ्लाइटें ऑफ कर दी थी, अभी तक उसने जो है ऑन नहीं करी। बाकी दुबई का और कतर कुवैत जितनी भी है, ये तो क्या नाम जो है चल रहा है धीरे धीरे, कभी ऑफ करते हैं कभी ऑन करते हैं, बट सऊदी अरब ने 2020 में मार्च से फ्लाइटें ऑफ करी थी, अभी तक ऑन नहीं करी। ठीक है, तो इस तरह कुछ सीन है। बाकी चलिए इनसे जो है बातचीत कराता हूँ मैं आपकी, देखते हैं इनसे क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस है, क्या कुछ ये आपको बताते हैं। ये वीडियो अगर आप इसको बोलो मोटिवेशनल वीडियो भी हो सकती है, और इससे जो है आपको बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी, और आपको जो है एक्सपीरियंस भी होगा थोड़ा, और थोड़ा समझ में भी आएगा क्या कुछ हिसाब किताब है, किस तरह के वहाँ के हालात चल रहे हैं। ठीक है, तो और बताओ क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक, बढ़िया है सर, तुम बताओ? अच्छा, कैसे कट रही है? बस ठीक है। तो क्या नाम है, आप अपना नाम बताओ पहले हमारे दोस्तों को। मेरा नाम जुनेद है। तो जुनेद भाई, और सब बढ़िया? बस खुदा का शुक्र है, बढ़िया ही है। अच्छा, तो जुनेद भाई जरा हमारे दोस्तों को आप बताएं कि आप जो है कितने साल सऊदी अरब में रह के आए? मैं सऊदी अरब रह के आया हूँ 5 साल। 5 साल जी, ठीक है। तो 5 साल में आप कितनी बार आए छुट्टी? 5 साल में एक बार छुट्टी आया हूँ बस। अच्छा, एक बार छुट्टी, यानी 5 साल कंटिन्यू आप 5 साल वहाँ रुके हो? हाँ, कंटिन्यू रुका हूँ, बस एक बार छुट्टी आया, उसके बाद दोबारा आया था तो यहीं पर रह गया। अच्छा, यानी आप एक बार बीच में छुट्टी आ चुके हैं? हाँ, ये साल में एक बार आया। हाँ, यानी आप जो है 2 साल में आए होगे एक बार, या 3 साल में आए होगे? हाँ, एक बार 3 साल के लगभग हो चुके थे। हाँ, 2-2.5 महीने बाकी थे। हाँ, उसमें तब छुट्टी आ गया था। हाँ, और अब छुट्टी आया था तो यहीं पर रह गया। यानी आप एक बार 3 साल लगा के आए, फिर दोबारा गए तो 2 साल लगा के वापस आए, है ना? हाँ। तो कब आए थे वहाँ से? मैं पिछले साल 2020 में फरवरी में आया था। अच्छा, यानी आप भी कोरोना से पहले आ गए यहाँ? हाँ, वो भी तो मार हुई ना। अच्छा, कोरोना फिर लग गया था 22 मार्च को शायद। हाँ, तो उसी टाइम फिर फ्लाइटें वगैरह सब बंद हो गई थी। हाँ, अभी तक तो कुछ। हाँ, सऊदी अरब ने तो फ्लाइटें ऑफ कर रखी है। तो जुनेद भाई, आपका जो है जैसे यहाँ से आप गए थे, तो क्या हिसाब रहा था आपका, आपको वीज़ा किसने दिया था? वीज़ा मैंने दिल्ली से लिया था। अच्छा, एजेंट था एक। अच्छा, उससे बात हुई थी तो उससे, यानी कि गोल ठीक का हो गया था, सब कुछ उसका था। अच्छा, टिकट वगैरह, वीज़ा, सब किराया जितना भी था, जो भी लगना था। हाँ, वो सब उसका था। ठीक है, तो यानी आपने जो है एजेंट से ठेका कर लिया था। हाँ। कितने पैसे लिए थे एजेंट ने? एजेंट ने लिए थे 1,20,000 रुपये। 1,20,000 में आपने पूरा ठेका किया था। हाँ। और सब कुछ उसका था, वीज़ा भी उसी का था, सब उसका था टोटल। जो मैं घर से निकलूंगा, जो किराया मेरा लग रहा है ना। हाँ, आने का जाने का ट्रेन से। हाँ, वो सब उसका था। अच्छा, यानी 1,20,000 में उसने ठेका कर लिया था, आपको जो है सऊदी अरब में पहुँचा देगा, कंपनी में छोड़ देगा जाके। ठीक है, उसका तो यही था। हाँ, तो सैलरी वहाँ पे कितना मिलता था आपको, क्या सैलरी थी? सैलरी वहाँ पे जाके लगी थी 1200 प्लस 200, यानी कि 1200 सैलरी, 200 खाने के। ओके, यानी टोटल 1400 रुपये। हाँ, टोटल 1400 रुपये सैलरी आपको महीने की मिलती थी। हाँ, और ओवर टाइम का कुछ हिसाब होता है वहाँ पे? ओवर टाइम तो नहीं था मेरी कंपनी में, कभी कभार चलता था। हाँ, लेकिन बाकी कंपनी के बाद बाहर काम थोड़ा बहुत था, किसी की वर्कशॉप में जैसे
थोड़ा काम है, वो काम कर दिया बस, उसका वो था। अच्छा, यानी आप जो है आपकी कंपनी में ओवर टाइम नहीं था, नहीं। आप बाहर जाकर काम कर लेते थे अपना ना, आपकी सेटिंग हो गई थी। हाँ, आपको 5-6 साल वहाँ पे 5 साल आपने गुजार दिए, तो एक्सपीरियंस तो हो ही जाना है। हाँ, जाने के बाद 4-5 महीने तो बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि जान पहचान तो कुछ नहीं थी। हाँ, या तो कोई अपना हो, दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो, उस टाइम पर तो थोड़ा अच्छा भी लगता है जाने के बाद। लेकिन शुरू में तो जब एक अनजान बंदा कहीं भी जाएगा तो उसे अच्छा थोड़ा ही लगेगा। बिल्कुल सही बात है ये तो भाई, यही हालात थी। हाँ, नए आदमी को तो देखो कहीं भी जाएगा उसको प्रॉब्लम तो थोड़े दिन जो है फेस करनी पड़ेगी, और थोड़ी वहाँ की जो भाषा है अरबी, हाँ थोड़ी बस उसमें प्रॉब्लम होती थी। हाँ, वो नए आदमी को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मेन चीज़ वहाँ की जो है लैंग्वेज ही है, अरबी लैंग्वेज है, और मेरे ख्याल से वो आसान भी बहुत है अरबी, क्योंकि मैं भी जब सऊदी अरब में जिस टाइम था तो मैं 2 महीने में अरबी सीख गया था। तो बहुत आसान है अरबी सीखना वहाँ पे, अरबी आराम से। आप अगर आपको डर है किसी आदमी के वहाँ जाके यार भाषा ही चेंज हो जाएगी अरबी हमारे से आने की नहीं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर सीखने वाला बंदा है तो वो 2 महीने में जो है अरबी सीख लेता है, अपने जितने भी काम की बातें होती है वो काम की बातें करने लगता है, ठीक है। हाँ, वो तो अपनी सब ज़रूरत की जितनी उसकी ज़रूरत है उतनी उसको अरबी आ जाती है 2 महीने में। तो जुनैद भाई, आपके जैसे आपने बताया 1400 रुपये आपकी सैलरी कंपनी में थी, तो एजेंट ने आपको 1400 ही बताई थी या नहीं नहीं कुछ कम ज़्यादा बताई? उन्होंने यहाँ से बताई थी मुझे 1800 प्लस 300, 1800 प्लस 300, 1800 सैलरी 300 खाने के। तो ये तो यार 2100 बनते हैं। 2100 बन रहे भाई, कंपनी में गए, कंपनी ने जाके, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत वो किया हो, लेकिन उनका भी कहना सही था ना। हाँ, उन्होंने बोला कि हमने तो 2100 की या 1800 की कोई हमारी ऐसी वो नहीं था। हाँ, हमने तो जो यहाँ से वीजा निकाल रखा उसकी तो सैलरी हमने खुली डाल रखी है 1200 प्लस 200। हाँ, हमने बोला कि हमारे पास तो उधर से एग्रीमेंट है। हाँ, वो तो हम करके आए 1800 प्लस 300। हाँ, तो बोलने लगे कंपनी, चलो ठीक है हम मानते हैं, हमारा जो यहाँ से कंपनी से है, एक कोई भी बंदा गया था उसके साइन कराए आपने, या उसके साइन है तुम्हारे जो जो एग्रीमेंट है उस पर कोई साइन है, वो साइन दिखा दो, या जहाँ से तुम आ रहे जिसने तुम्हें भेजा साइन दिखा दो उसके। लेकिन जो जो यहाँ पे हमने एग्रीमेंट किया था एजेंट के साथ उस पर तो सिर्फ हमारे साइन थे। ठीक, अब पहले नहीं पता था ना ये इनका कि उनके भी साइन होने जरूरी है, तब जाके वहाँ पे कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना हमारे। तो यानी जुनैद भाई ये जो है आपके साथ में, इसे हम फ्रॉड भी कह सकते हैं। हाँ, बस ये जो भी करनी थी वो एजेंट की करनी थी, ठीक है। हाँ, एजेंट ने ही आपको जो है फ्रॉड एग्रीमेंट बना के दिया, और इसलिए सऊदी अरब में जो कंपनी थी आपकी उसने वो एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ था और उसमें उन्होंने क्लियर डाल रखी थी सैलरी तुम्हारी 1200 है प्लस 200, ये उनका कहना ये था। वो तो बोल रहे थे कि आप आने से पहले एक बार चेक कराते हैं, हम पहली बार जा रहे हैं, किसी इतना पता रहे। बिल्कुल, अब दोबारा गए तो थोड़ा नॉलेज थी, लेकिन गए वापस उसी कंपनी में। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम जुनैद भाई ने हमें बताई है ना, सैलरी की जो प्रॉब्लम बताई है, अक्सर ऐसा होता रहता है वहाँ पे। मेरे ख्याल से 70% जो कंपनियों में जाते हैं ना उनके साथ में ये इशू आता है। लेकिन देखो, मेरी राय तो ये है भैया, कोई भी जाए, देखो ये नहीं है कि हम अपने को ही बताएं। हाँ, अब जो भी देखेगा शायद उसे हमारी वीडियो से या इस बात से थोड़ा सा वो हो। हाँ, लेकिन मेरी राय तो यही है, देखो जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता ये ऊपर वाला या कोई भी किसी के भी साथ हो, ऊपर वाला ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो जा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मेरी राय ये है, आप कभी भी कोई भी जाए, चाहे आप दोबारा से जाओ या कैसे भी जा रहे हो, अगर किसी भी कंपनी में हो तो उससे पहले वीजा लेके उसे चेक कराओ। हाँ, कि ये वीजा चेक करो तुम्हारे उसी जॉब का है या नहीं। बहुत सीधा हो जाता है, वेल्डरी का भी वीजा था हमारा। हाँ, अब उसमें अब हमें तो मालूम नहीं था कि वीजा चेक भी कराना चाहिए कैसे। हाँ, हो सकता है कि दूसरी कंपनी में तुम तो चलो जैसे सप्लायर में, चलो तुम तो उस टाइम नए नए गए थे, तुमको तो पता नहीं था, इसीलिए बता रहे जो एग्रीमेंट वगैरह है उसमें एजेंट के साइन करा लो, यहीं से भैया साइन करके तो हमारे कुछ तो प्रूफ हो कि हाँ तुमने इतनी सैलरी लगाई है। तो फायदा हो जाना फिर अपने जाने के बाद, हम कह सकते हैं कि हमारे पास तो एग्रीमेंट है, साइन हमारे हुए हुए। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें थोड़ा ध्यान से जाना चाहिए, वीजा अच्छे से चेक कराओ। हाँ, तो चलो खैर, ये तो
आपकी जो है सैलरी के ऊपर थी, तो वहाँ का आपका रहना सहना क्या हिसाब था? कंपनी ने आपको रिहाइश दी हुई थी, आपको रूम दिया हुआ था कंपनी ने? हाँ, कंपनी ने रूम दे रखा था उसमें, यानी कि हम बंदे थे पांच, यानी एक रूम में पांच आदमी आप लोग रहते थे, बाकी फ्रिज वगैरह सब कुछ था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, वो सब कंपनी ने दिया? हाँ, वो सब कंपनी का था। हमारा तो उसमें वो ये था कि खाना लाना है, अपने आप से बनाना है। हाँ ठीक है, तुमको बनाना था बस। हाँ, बाकी सामान कंपनी ने सब दिया हुआ था? हाँ, बाकी सब गैस वगैरह जो था सब कंपनी ने दे रखा था, लेकिन जब सिलेंडर वगैरह जो था वो भरवाना हमारा ही खर्चा था। तो वहाँ का जो है सऊदी अरब में, सऊदी अरब का कल्चर क्या कैसा है? आप वहाँ पे जो नया आदमी जाता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है? भाई देखो, नया आदमी कोई भी जाएगा, किसी भी कंट्री में चले जाओ। हाँ, अगर कोई अदर कंट्री में जाएगा, कहीं भी जाओ, प्रॉब्लम तो थोड़ी होनी होनी है। हाँ, लेकिन ये कि सऊदी अरब में बस थोड़ी यही प्रॉब्लम है, एक तो भाषा और एक इधर से इंडिया से मान लो या उधर के लोगों का मान लो। हाँ, फ्रॉड तो होना ही होना है। हाँ, या तो आदमी पहले से पक्का हो। हाँ, वो थोड़ा बच गया, नहीं तो बस यही है उधर थोड़ा एक जो बद्दू आदमी है, थोड़ा बंदे को नए को देख के उसे लूट लें। हाँ, बस ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, शुरू में मुझे भी हुई है, मैंने भी 3,000 रियाल तो खींच में थे, थोड़ी प्रॉब्लम तो नए बंदे चलो, को वो होती तो है। वो तो होता ही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग चाहते हो कि जुनेद भाई का एक और इंटरव्यू लिया जाए और इनकी लाइफ के बारे में जाना जाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा जुनेद भाई से दोबारा एक नए टॉपिक पे बात करने की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, जितना भी उसका लाल वाला रंग है ना, वो लाल वाला रंग पूरा मिटा दो, ठीक है? और साथ में जो वो घंटा सा आएगा ना, उसके भी कान मरोड़ देना, ठीक है? उसके भी कान खड़े कर देना, और वीडियो को लाइक करिए, और अपने यार दोस्तों में जो जाने वाले हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, उनको वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।